हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रत्नेश में। दोस्तों, मैंने सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2 करा दिया है। आज मॉडल पेपर 3 कराने जा रहा हूँ। आप सबसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे और बहुत अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है इसका, तो इस वजह से इसको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। और डिमांड को देखते हुए सामान्य हिंदी के 10 मॉडल पेपर कराने के बाद सीधे आपको रीजनिंग के मॉडल पेपर कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ही मेन है, तो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट कम से कम 10 कराऊंगा, 10 से ज़्यादा भी कराऊंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। उसके बाद फिर GK कराऊंगा, GK लास्ट में इसलिए कराऊंगा ताकि आपको याद रहे। अभी आप सामान्य हिंदी पढ़ लें, क्योंकि सामान्य हिंदी का पोर्शन बड़ा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आप सामान्य हिंदी के सारे व्याकरण पढ़ लीजिए, उसके बाद ये मॉडल सेट करिए खुद से जो, और अपना मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से आप अपना मिलान कीजिए। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्या है। आइए क्वेश्चन सीधे करते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। और चाहते हैं कि अगर आप तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उसको जल्दी जल्दी से उसका लाभ ले सकें, जल्दी उसको देख सकें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। देखिए, कहावत और लोकोक्ति एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 नाच न जाने आंगन टेढ़ा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ना नौ नगद न तेरा उधार, नहीं ऐसा नहीं होता, नौ नगद न तेरा उधार बिल्कुल सही है, नौ नगद न तेरा उधार, ये आप फॉर्च्यून की दुकान पे भी लिखा हुआ पा जाएंगे। एक लोकोक्ति है, सबको लगभग पता ही होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ठीक है, मतलब यह है कि बिना मांगे मोती तो मिल जाता है लेकिन मांगने से भीख भी नहीं मिलता, कोई नहीं देता है, तो इसका ऑप्शन न हो जाएगा सी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आइए क्वेश्चन नंबर 5-4 देखते हैं, 4-5 दिए गए वाक्य खंड के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, ठीक है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाएगा, हर काम को देर से करने वाले व्यक्ति को दीर्घसूत्री बोलते हैं, ठीक है। बहुत पढ़ी लिखी महिला क्या होती है, बहुत पढ़ी हुई महिला को विदुषी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6-7 क्या कह रहा है, रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किया गया उपकार न माने, ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को मान लेते हैं उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ कुल मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, ठीक है, तो कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 8-10 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए, ठीक है। आइए, तो तुम जिसे चाहो चुन लो, ये किस तरह का वाक्य है, तुम जिसे चाहो चुन लो, ये है एक प्रकार का मिश्र वाक्य, ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था, तो ये किस तरीके का वाक्य है, ये एकदम सरल वाक्य है, ठीक है, तो ये है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है। देखिए, दो तरीके की बात हो रही है, दो तरह की बातों को इसमें संयुक्त किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य, ठीक है, कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। आइए 11-12 क्या कह रहा है, देखिए इसमें त्रुटि बताना है, वाक्यों में कुछ त्रुटि है उसको आपको बताना है, अगर त्रुटि नहीं है तो आपको लिख देना है कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है कोई त्रुटि नहीं, बताइए इसमें क्या होगा, तुमने अपनी स्वेच्छा मतलब ही अपनी इच्छा होता है, तो अपनी ये गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए। 12 में है, खराब मानसून के कारण भारतीय कृषक बेहाल स्थिति में पड़े हैं, ठीक है, तो देखिए आप पहले बताइए फिर हम इसको बताते हैं, खराब मानसून के कारण भारतीय कृषक
बेहाल स्थिति में पड़े हैं। तो देखिए पड़े हैं गलत है, बेहाल स्थिति में हैं पड़े गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 to 14। चार शब्द दिए गए हैं, एक शब्द इसमें से क्या है आपको गलत दिया हुआ है, जिस सही प्रयोग नहीं है उसका, आपको बताना है कौन सा शब्द है जो इसका सही प्रयोग नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं, जब से मिठाई घर में आई है तभी से विनय मिठाई खाने के लिए सत्याग्रह कर रहा है। बताइए सत्याग्रह करेगा कि आग्रह करेगा, तो इसका गलत यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरंभ से ही हुआ यह उपेक्षा रखती है कि सब उसकी खूबसूरती को सराहें। देखिए खूबसूरती एक पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एक सकारात्मक शब्द है, तो इस वजह से इसकी अपेक्षा होगी, अपेक्षा रखती है कि हमें सब हमारे खूबसूरती को लोग सराहें, उपेक्षा थोड़ी करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। 15 से 17 बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल मतलब होता है विषम शब्दों को आपको बताना है। इसमें है मंजिल, छत, इमारत, कमरा, बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, इमारत, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, हालांकि, चूंकि, जबकि, यद्यपि। तो हालांकि, जबकि, यद्यपि एक चीज़ है, जबकि चूंकि अलग चीज़ है, तो ये अलग हो गया। 17 क्वेश्चन है विलखना, विलाप, संताप, रुदन। तो विलखना, विलाप, संताप, रुदन, इसमें से आप संताप बिल्कुल ये बेमेल है, विलखना, विलाप करना, रुदन आप सब जानते हैं क्या है। तो इस तरीके से इसको आपको बताना है और बहुत ही इसको अच्छे से बताना है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, 3 में से 1 तो गलत होने की संभावना बन जाती है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, ये इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए, ये ज़रूर क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। आइए 18-19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। देखिए आपको संधि बतानी है, तो आप 18वां क्वेश्चन मधुआलय में क्या है, मधुधनालय, यड़ संधि, ऊ आ मिलकर या हो जाता है, यड़ संधि, ठीक है। सर्वोदय, सर्वधनुदय, आ ऊ मिलकर ओ हो गया, तो गुड़ संधि हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उस समास को क्या बोलते हैं। देखिए इस तरीके के समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई कहानी नहीं है, कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में किस पद में द्विगु समास है। द्विगु समास आप सभी को पता है कि जिसमें नंबर आते हैं पंचवटी है, बिल्कुल सिंपल है ये। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण बताइए। अव्ययी भाव समास का लेन देन, सज्जन, चिड़ीमार, परोक्ष, परोक्ष, ये इसका सही उदाहरण है एकदम, ठीक है। ऐसे ही कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की क्या भाषा थी आपको बताना है। कबीरदास एक सधुपकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये बहुत ही प्रचलित सवाल है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है, बताइए हिंदी शब्द का प्रथम सर्वप्रथम युग है भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग है इसका आंसर। आपको बताना है 25 से 27 में रचना के रचयिता का नाम, ठीक है, रचना के रचयिता का नाम बताना है। मिट्टी और फूल के रचयिता का क्या नाम है, तो इसका नाम है नरेंद्र शर्मा, ठीक है, इसका नाम है नरेंद्र शर्मा, ठीक है। मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। मृगनयनी उपन्यास किसकी रचना है, तो मृगनयनी बहुत ही मुझे लगता है फेमस है, तो आप बताइए जल्दी से, वृंदावन लाल वर्मा की है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, वृंदावन लाल वर्मा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तितली। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, तो तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है करुड़ रस का स्थाई भाव क्या है। देखिए करुड़ का स्थाई भाव करुड़ा ही होता है, मतलब शोक, ठीक है, जिसमें दुख हो। श्रृंगार रस का स्थाई भाव पूछा जा रहा है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है, रति मतलब होता है प्रेम, ठीक है। जुगुप्सा कौन से रस का स्थाई भाव है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थाई भाव है, तो ये विभत्स रस होता है, ठीक है। रस वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिए तभी आपको ये सेट करने में मज़ा आएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चंस, और निश्चित है कि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13
और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है। देखिए, इस तरह के छंद को हम कहते हैं दोहा, ठीक है, जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, ये पूछा जा रहा है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, तो छंद की रचना गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के उपयोग में से कोई नहीं। छंद की रचना गणों के समायोजन से होता है, ठीक है, गणों के समायोजन से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 से 35 कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों से उपयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो 33 है, बाधा था विध को किसने, ठीक है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखिए बहुत अच्छा है, तो ये है एक अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें अतिशयोक्ति इतना बढ़ा चढ़ा के बड़ा बताई जा रही है कहानी, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, फूले का सकल महिछाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा की जा रही है। फूले काश सकल मई छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। आप कमेंट बॉक्स में उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बताइए। वैसे तो मैं आपको ये क्लासेस भी कराऊंगा व्याकरण के, हिंदी का। हो सकता है आपको ये मॉडल पेपर ख़त्म होने के बाद आपको आपको व्याकरण की क्लास कराऊँ, उसके बाद फिर आपको मॉडल पेपर कराऊँगा। दोस्तों आपको मेरे चैनल से बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो आप अभी बिल्कुल लेट ना करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको आने वाले जितने भी यू पी TSSC के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सब में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके लिए वो सारी चीज़ें लाऊंगा जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी माँ दखता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। एक को खाने से बौरा जाता है, दूसरे को पाने से, तो क्या हो गया, किस तरह का अलंकार हो गया, ये यमक अलंकार हो गया, ठीक है। कनक कनक के दो अलग अलग अर्थ हैं, यही बताया गया है यमक अलंकार में। चलिए, वह शब्द चुनिए जो समानार्थी नहीं है, ठीक है, इसमें समानार्थी नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला है द्रव्य, अब बताइए द्रव्य का मतलब होता है पीरति धन वित्त, बिल्कुल सही है, वृत्त नहीं होता है, ठीक है, ये वृत्त गलत है, वित्त होता है, वृत्त नहीं होता है। चलिए 37 है गधा, तो गधा का धूसर होता है, सही है, वैशाख नंदन होता है, बिल्कुल सही है, वासव नहीं होता है, चक्रवान होता है, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताना है। मारुत, मारुत शब्द का अर्थ है क्या, मारुत नंदन हनुमान जी के लिए यूज किया जाता है ना, बताइए हनुमान जी के पिता का नाम क्या था, पवन, पवन मतलब क्या, हवा, वायु, मारुत, ठीक है। प्रसून मतलब होता है पुष्प, इससे तो सबको पता होगा ये तो, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं। अंबु, अंबु भी बहुत ही कॉमन है, अंबु मतलब होता है जल, देखिए अंबु जल, अंबुज आकाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है। परुष, परुष, परुष होता है कोमल, ठीक है, परुष मतलब क्या होता है, कोमल। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर ए कोमल। 42 क्वेश्चन नंबर, मौखिक, मौखिक मतलब लिखित कथित पठित अलिखित, बताइए क्या होता है मौखिक क्वेश्चन, हाँ, तो आपको क्या हो? इसका उल्टा बताना है ना, तो परुष मतलब क्या होता है, ये देखिए आप ये देखिए कि आप इसमें आपको विलोम शब्द बताने हैं, ये ध्यान रखिए विलोम शब्द बताने हैं, तो परुष का विलोम है कोमल, ठीक है, परुष का कोमल क्या है, विलोम है। मौखिक, मौखिक ऐसे होते हैं जो अलिखित होते हैं, ठीक है, कथित पठित ऐसे होते हैं, लिखित होता है अलग, मौखिक का बिल्कुल अपोजिट। फिर उत्कर्ष, अब उत्कर्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44 to 45। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त, देखो रिक्त स्थान भरना है इसमें, अब ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करना है, रिक्त पूर्ति करनी है। देखिए, रवि सदा मंदन के प्रति रहेगा, रवि सदा मदन के प्रति रहेगा, क्या रहे? कृपा रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, उपकृत रहेगा, कर्मठ रहेगा, तो कृतज्ञ रहेगा। ठीक है, रवि सदा मदन के प्रति ग्रेटफुल रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का प्रमुख रहता है क्या भूमिका की योगदान, बताइए। दो में कन्फ्यूजन है, बिल्कुल योगदान सही है, भूमिका नहीं। तो ये कन्फ्यूजन आपको एग्ज़ाम में भी हो सकता है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेपर करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, टाइम काफ़ी रहता है किसी भी UP SSC या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में, टाइम का कोई अभाव नहीं होता है, इसलिए आपको सतर्कता के साथ में क्वेश्चन करना है, आंसर्स देना है। तो इसका आंसर हो गया था बी, इसका आंसर हो गया था योगदान। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, चिन्ह 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 चिन, बताइए कौन सा सही है इसमें, आप बताइए जल्दी से। क्या है? चिन्ह, चिन्ह यही होता है, चिहन नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है, ये लिखा है क्या चिन्ह, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर भी है। जागरूक 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 जागरूक, बताइए। तो इसमें कुछ बताना नहीं है आपको, हिंदी के शब्द हैं, आप जानते हैं खुद ही। मृत्युंजय मृत्युंजय बताइए कौन सा है, मृत्युंजय महामृत्युंजय जाप करते हैं ना, वही वाला है मृत्युंजय, भगवान शिव मृत्यु को जीत लेने वाले, तो मृत्युंजय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महामृत्युंजय जाप आप लोग क्या करिए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, क्वेश्चन नंबर 49, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि व्याकरण लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, जो आपको कह रहा हूँ बार बार पढ़ने को वही है। ठीक है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होगा, आपको व्याकरण से होगा, व्याकरण आप पढ़िए हिंदी का भी। एक भाषा दूसरी भाषा कैसे क्या लेती है, एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। आज के लिए बस 1 से 50 तक का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर 1, 2 और बस फाइनली 3 भी करा दिया गया है, आपको 2 दिन बाद फिर 4 और बस 2-2 दिन के अंतराल पे आपको 5, ऐसे ऐसे कराते रहेंगे। उसके बाद फिर जैसा रिस्पांस होगा वैसा ही करेंगे। अगर हिंदी का व्याकरण आप पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जिस टॉपिक पर दिक्कत होगी वो टॉपिक आप बताइए, उसका वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आइए, हाँ आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और आपको जो भी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर पूरा करूँगा, आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा, मेहनत करूँगा। तो चैनल को लाइक भी करें, देखिए इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, जो पढ़ना चाहते हैं, वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं, BPO की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबके लिए उनके सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को अच्छे से ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी के लिए एक अच्छी शुभकामनाएं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका अग्रिम एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।